There is only one of you, only one of me. There's a million of those. तो अभी आप लोग देख सकते हो भाई कितने सारे कॉइन्स है मेरे पास। क्या बोलते हो, 100 तक ही कॉइन रखते हो उसमें? केवल उससे ज्यादा रखे ही ना, क्या पागल बनाया जा रहा है। Across the dirt, I've been scared to live cause some people never learn, but they're not gonna. हेलो एवरीवन, वेलकम इन न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग, सब बढ़िया हो गए जहाँ तक है। और अभी सुबह के 8:30 बजे हुए हैं और आज है रक्षाबंधन। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और आज काफ़ी तगड़ा प्लान मेरे माइंड में आया है, इसलिए सुबह के मैं 8:30 बजे अभी से शूट करना मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मेरे को प्लान एग्जीक्यूट करना है। काफ़ी तगड़ा प्लान है भाई, लास्ट तक देखना, आप लोगों को काफ़ी मजा आने वाला है। आप लोग जल्दी से लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको पूरा प्लान के बारे में अभी बताता हूँ। तो मेरे पास अभी काफ़ी सारे कॉइन्स हैं, काफ़ी सारे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हो भाई कितने सारे कॉइन्स हैं मेरे पास। तो हम इनसे प्लान करने वाले हैं, कुछ गेम खेलने वाले हैं, आज काफ़ी मजा आने वाला है। तो अभी मैं आपको पूरा सीन बताने वाला हूँ कैसे है। जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं, कॉपी पेन लेते हैं, उस पर प्लान एग्जीक्यूट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई मौसम हो रखा है काफ़ी बेहतरीन, तो मैंने सोचा बाहर कुर्सी बिछा के यहीं प्लान एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है, लाइक हम लोग अपने बहन को गिफ्ट देते हैं तो ज़्यादातर हम लोग पैसे ही देते हैं, तो चलो हम लोगों ने पैसे का ही वो सीन कर लिया पूरा। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, लाइक अभी मैं कॉइन्स काफ़ी सारे प्लेट में रख लूँगा और अपनी बहन से बोलूँगा कि तुम्हारी मर्जी है तुम कितना कॉइन्स उठाना चाहते हो, लेकिन उसमें एक बात छुपी हुई है, लाइक कितना कॉइन्स पे तुम लोगों को कितना पैसा मिल सकता है मेरी साइड से। तो वो मैं चीज़ आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे कैसे क्या एग्जीक्यूट किया है कि लाइक इतना कॉइन आप लोगों ने उठाया तो आपको इतना पैसा मैं देने वाला हूँ। तो चलो अभी यहाँ पे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अगर बहन उठाती है 1 से लेके 10 तक कॉइन, ठीक है, तो यहाँ पे हम काफ़ी स्ट्रेटेजी से चीज़ें लिखने वाले हैं। लाइक तो मैं देने वाला हूँ यहाँ पे 1000 रुपीज़, ठीक है। तो सीन कुछ ऐसा, तो बहन सोचे कि ज़्यादा से ज़्यादा उठा लेती हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होने वाला, यहाँ पर अपोजिट चीज़ें होने वाली है। तो यहाँ पर अभी 11 से हम लोग लिखते हैं, अगर 20 तक रहता है कॉइन तो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा 900 रुपीज, ठीक है। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। तो इसके बाद होने वाला है भाई तबाही, गेम स्टार्ट, ठीक है। तो वो यहाँ से लिखते हैं हम लोग, इसमें रहने वाला है काफ़ी अलग चीज़ें रहने वाली है। अगर 101 से यहाँ पे 110 तक कॉइन रहता है तो यहाँ पे मैं देने वाला हूँ अपनी बहन को गिफ्ट 2000 रुपीज़। ओ भाई, और अगर यहाँ पे 111 रुपीस से लेके 120 कॉइन तक रहता है तो यहाँ पे मैं देने वाला हूँ 2500 रुपये। भाई काफ़ी जेब खाली होने वाली है अगर बहन ने सोचा ज़्यादा कॉइन्स उठा लेते हैं। तो 121 से यहाँ पे 130 तक आता है तो यहाँ पे हो जाएगा 3000 रुपीज़। और यहाँ पे 131 से लेके 140 तक आता है अगर, तो यहाँ पे आ जाता है 3500 रुपीज़। एंड सो ऑन, ये भाई चलता ही रहेगा, आज देखते हैं कितना
कितने तक लेवल जा सकता है भाई हमारा। तो ये चीज मैंने लिख ली है। तो हम लोगों ने प्लान तो एग्जीक्यूट कर लिया है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा भाई अच्छे से, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को प्लान कैसा लगा, मेरे को तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और अभी क्या बोलते हो, 100 की कॉइन रखते हैं उसमें, केवल उससे ज़्यादा रखे ही ना। सो मिलते हैं हम लोग आपसे जल्दी। जिप तो ले, मैं बैठू बैठ होगी तो सर। हमारा गिफ्ट आ चुका है यहाँ पे। वाह, क्या गिफ्ट है, इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी हमें बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पे एक गेम है, पता क्या गेम रहने वाला है यहाँ पे। मैंने क्या किया कि तुम कॉइन्स उठाना कितने भी, तुम्हारा जितना मन करे। तो मैंने एक कॉपी पे लिख रखा है कि यहाँ से यहाँ तक कॉइन रहेगा तो इतने रुपए दूंगा मैं एज ए गिफ्ट। अच्छा, तो वो चीज मैंने यहाँ पे रख रखा है। ऐसा तो हम मैं सारे उठा लूंगे फिर। यहाँ तो जरूरी नहीं है ना, अगर सारे भी सारों में ज्यादा लिख रखा होगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है मैंने कि तूने 500 रुपए उठा लिया इससे, तो उसमें केवल मैंने 10 ही रुपए लिख रखा हो। तो वो चीज हम लास्ट में करने वाले हैं, अभी इससे भी बनवा लेता हूँ। तो लास्ट में तुम उठाना, फिर लास्ट में हम लोग करेंगे। मतलब मान लिया कोई एक उठाना, एक ने सारे उठा ले तो फिर दूसरा क्या उठाएगा? नहीं, हम दोबारा रखवा के फिर उठा लेंगे ना। अच्छा, तो कॉइन काउंट करेंगे लास्ट में। वेरी नाइस, क्या पागल बनाया जा रहा है। तो अभी हमारा यहाँ पे हो चुका है गेम और गिफ्ट टाइम, दोनों स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे कॉइन्स लेके आ चुका हूँ और गेम तुम्हें समझ में आ चुका है। गेम है कि जितना तुम कॉइन्स उठाओगे उस पर कुछ भी नंबर हो सकता है। लाइक अभी तुमने 5 कॉइन्स उठाया, हो सकता है उस पर 500 लिखाओ, 500 रुपये मेरी तरफ से। हो सकता है तुमने 500 कॉइन उठा लिया और उस पर 5 रुपये लिखाओ, ऐसा कुछ भी हो सकता है तुम्हारे लिए रैंडम है। मेरे को तो पता है, मैंने लिख रखा है, वो सब जानते हैं, उन लोगों को सबको पता है कि क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन तुम लोगों को नहीं पता कि कितना कॉइन उठाना ज्यादा बेनिफिट रह सकता है तुम्हारे लिए। तो अभी कॉइन उठाते हैं, अब तुम्हारी मर्जी को उठा लो, सबसे पहले तुम्हारी बारी। छोटे से शुरुआत करते हैं। चलो छोटे से शुरुआत करते हैं। देखिए कैसे उठा रही। टेन कॉइन उठाए इसमें तो बस। चलो तुम्हारी बारी। अभी जरूरी नहीं, इससे भी ज्यादा उठा सकते तुम। ओ भाई, भर भर के कॉइन उठा लिए गए। अभी गिनने तो पड़ेंगे ना, अभी काउंट करने वाले हैं। इसने तो काउंट कर गया। अरे ये क्या देखने को मिल रहा है गाइस, ये है रुपयों का लालच। लालच कभी खत्म नहीं होता है।
और भी उठाने हैं क्या? चलो ठीक है, गिनने ही तो पड़ेंगे, अभी गिनने वाले, अभी काउंट चलेगा भाई आराम से बैठ के। चलो काउंट करते हैं, पहले काउंट कर लेते हैं उसके बाद ही बताऊंगा मतलब क्या रहने वाला है, क्योंकि काउंट से पहले बता दे तो कुछ मजा नहीं आने वाला। तुम्हारा कितना है? 10। इनके पास है 10 कॉइन, ठीक है। कॉइन काउंट करने हैं, उनकी वैल्यू काउंट, वैल्यू काउंट करनी है, वैल्यू, ठीक है। तो अभी वैल्यू काउंट करने वाले हम तुम्हारे कॉइन्स की। चलो करते हैं, तीनों मिलके करते हैं, ठीक है। चलो चलो वैल्यू का वाला वैल्यू कर लेना। हां सेवेंटी कॉइन्स तो मेरे पास ही हो चुके हैं। दो सौ कॉइन हो चुका है भाई मेरे पास ही। मेरे पास है 213, मेरे पास 135 और मेरे पास है 275, 275। अब काउंट कर लेते हैं, तीनों को ऐड कर लो, अब पता नहीं कुछ ज्यादा खाने का कुछ फायदा होने वाला है। 213 और कितना? 275, 623। चलो अभी देखते हैं क्या हम लोगों ने लिखा हुआ है, वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले। चलो ये है हमारे पास गिफ्ट टू सिस्टर वाला, तो यहाँ से यहाँ पे है 1 से 10 कॉइन के लिए 1000। अभी देखो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं घटते जा रहे हैं, 1100 से 900 रुपीज, 21 से 30 800 रुपीज, 33 से 40 700 रुपीज, 40 से सोचो 623 में क्या ही मिलेगा आपको माइनस में। तुमने यूँ नहीं कहा कि घटते जाए वाला कुछ भी होता है रैंडम, वैसे तुमने नीचे वाला तबाही गेम नहीं देखा। इसमें कुछ चोरी सीन था, इसमें है 101 से 110 पे 2000 रुपये, 111 से 120 तक 2500 रुपए। तो मेरे वाले पे चल ना फटाफट, अभी लिखना पड़ेगा, मैंने तो इतना लिखा भी नहीं था। वाह वाह वाह, अभी तो जान के कम ही लिख देगा फिर। अरे नहीं, इसमें काउंट चल रही है, अभी 120 तक 2500 रुपए हो गए, 100 अभी हिसाब आपको हम। ओहो, किसी की जेब खाली होने वाली है लगता है। अब तो खतरनाक ही लिखना पड़ेगा, अभी हम लोग पूरा काउंट करते हैं उसके बाद हम लोग आपसे मिलते हैं। तो भाई हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे हो चुकी है, 28,000। अरे ये क्या हो गया? अरे भाई फिर से मौका मिलना चाहिए उठाने का। अरे ये क्या हो गया? ये कह रही है फिर से मौका मिलना चाहिए। आप 10 रुपए उठाने खुश हो? तो भाई ये हमारी सारी कैलकुलेशन यहाँ पे, हमने पूरी पूरी कैलकुलेशन कर ली है। वैसे मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ज्यादा धन से ज्यादा मिलेगी, मैं तो ऐसे मस्ती में उठा लूंगी। तो भाई डोंट वरी, मुझे इतने नहीं चाहिए। नहीं कोई बात नहीं, हम देंगे, हमने गेम खेला है तो नहीं चाहिए। देख रहे हो भाई, आओ चलो अपनी बहन से पूछते हैं कि कैसा लगा गिफ्ट। जैसा कि आपने सभी ने देखा कि हमने एक गेम खेला था, मैं मतलब कॉइन्स उठाने थे, तो मैंने तो ऐसे ही मस्ती में ज़्यादा कॉइन्स उठा ले, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इनकी अमाउंट कितनी होगी। तो जो मुझे मिले हैं वो मिले हैं 28,000। मैंने इसको काफ़ी मना किया कि तू इतने रुपए मत दे, मुझे इतने नहीं चाहिए, लेकिन इसने ज़बरदस्ती मेरे अकाउंट में भेज दिए हैं। चलो देखते हैं उनका कुछ अच्छी चीज़ में यूज़ करेंगे फैमिली की, जैसे कि हमें पापा का बर्थडे आ रहा है सेप्टेम्बर में, उसमें से पापा का बर्थडे का गिफ्ट ले लेंगे, कुछ देखते हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम। तो आप क्या कहना चाहोगे, आपको कैसा लगा गिफ्ट? मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। लेकिन कैसा लग रहा है कि आपको 1000 मिला? हर बार से ज्यादा मिला है तो अच्छा ही लगा। ओके ठीक है, चलो थैंक यू।
तो इस रक्षाबंधन पे तो भाई गजब ही खर्चा हो गया है। मैंने छोटी बहन को कैश दे दिया है और बड़ी बहन को मैंने ऑनलाइन सेंड कर दिया। आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और अभी हम लोग इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लेना चैनल। तो हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू गाइज, बाय बाय।